ओम शांति। और थैंक यू जी दीदी जी, जैसे आपने कहा ना कि माइंड के भी डॉक्टर है ना, जैसे एक लौकिक भी डॉक्टर है और वही माइंड के भी मीन्स यस मेडिटेशन ट्रेनर। हाँ तो वैसे तो हर कोई बाबा ने हर कोई बच्चे को वैसे डॉक्टर बनाई दिया है, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे दादी गुलजार जी की याद आ गई बात। एक्चुअली जब भी मैं इनसे मिलता तो हमेशा मुझे कहते कि आप डबल डॉक्टर हो, आपको दोनों काम करने हैं। जी तो दादी का वरदान जो है तो बाद में धीरे 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 फलीभूत हुआ। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स मुझे याद दिलाने के लिए दीदी जी। और आप सभी को मधुबन से गुड मॉर्निंग और स्वीट इवनिंग भी आपको, क्योंकि स्वीट हो मधुबन है ना, तो स्वीट इवनिंग भी, क्योंकि आपके यहाँ है ना आज अभी इवनिंग है। तो देखिए, जब भी हम मधुबन का नाम सुनते हैं तो मन है ना खुशी से झूमने लगता है, और जब हम सोचते हैं कि हमें मधुबन जाना है तो फिर मन उठने लगता है, और फिर यहाँ पर आकर मन इजीली एकाग्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तपस्या का वातावरण है, वाइब्रेशन है। तो आप अभी भी ऐसे समझे कि आप मधुबन में ही बैठे, क्योंकि मैं लकीली एक्चुअली मधुबन में हूं। तो आप भी ये समझिए कि आप ओम शांति भवन में ही बैठे हैं, जहां मैं भी बैठा हूं। और जैसे मैं कह रहा था कि मधुबन में जब आते हैं तो मन को एकाग्र करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें, क्योंकि यहाँ के वाइब्रेशंस, यहाँ के जो वातावरण है उसका प्रभाव। लेकिन जैसे ही हम फिर यहाँ पे 8 दिन रहते हैं, उसके बाद में हम घर जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे वहां के वाइब्रेशंस, वहां का प्रभाव, तो मन की एकाग्रता थोड़ी कम होने लगती है। और यहाँ पर भी अगर हम रुके बहुत देर तक भी, तो यहाँ की जो वाइब्रेशंस वो तो है ही, ये तपस्या भूमि है ही, लेकिन अपनी मन की स्थिति भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अपनी मन की स्थिति का प्रभाव भी इस वाइब्रेशंस पर पड़ता है, इस वायुमंडल पर पड़ता है। इसके लिए हमें एकाग्रता की आवश्यकता है। तो हर कोई ब्राह्मण आत्मा ये चाहता है कि उसका मन जो हो वो योग में एकाग्र रहे, व्यर्थ संकल्प ना चले। तो एकाग्रता अर्थात जब भी हम योग में बैठे हैं तब व्यर्थ संकल्प का ना आए, एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो, और अपने जो संकल्प है वो एक ही दिशा में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम परम धाम की अनुभूति कर रहे हैं, बाबा के साथ का अनुभव कर रहे हैं परम धाम का, तो हमारा जो हर थॉट है, हर संकल्प है, वो परम धाम के बारे में ही चले, बाबा के बारे में ही चले, उसमें और कुछ बाकी थॉट्स ना हो, इसको कहेंगे हम कि एकाग्रता। या फिर हम जब चाहे जितना समय चाहे हमारी संकल्पों की दिशा एक हो, हमारी स्थिति एक हो, इसे हम कहेंगे एकाग्रता। तो कोई भी बाबा का बच्चा अगर योग कर रहा है और बहुत एकाग्रता से कर रहा है योग, तो उसे बहुत ही आनंद आता है योग, उसे आंतरिक खुशी का अनुभव होता है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति उसे होने लगती है। लेकिन अगर योग एकाग्र ना हो तो फिर उतना आनंद हमें नहीं आता है। हमें योग खत्म होने के बाद में ऐसा लगता है कि कुछ तो आज कमी रह गई, इतना आनंद नहीं रहा, या फिर बाबा के साथ कनेक्शन हमारा इतनी अच्छी तरह से जुटा नहीं आज। तो एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन कहो कि तो लगता है कि आज इतना अच्छा योग हमारा नहीं हुआ। तो हमारी ये जो बात है, जो संकल्प है, हमारी खुशी को भी थोड़ा सा कम कर देता है। तो हम क्या करें कि हम ज्यादा से ज्यादा समय तक योग में एकाग्र रहे? तो इसकी बहुत ही अच्छी विधि बाबा ने बताई है। तो उसमें सबसे फर्स्ट है कि फुल स्टॉप का ब्रेक। देखिए, अपना मन जो है
वो एक ड्राइवर भी है। तो देखिए, जो ड्राइवर होता है ना, उसे अगर कहीं जाना है, एक दिशा में जाना है, लेकिन वो दिशा छोड़ के उस कोई और दिशा में भटक जाता है, किसी और दिशा में जाने लगता है, उसे मालूम पड़ जाता है कि मैं किसी और दिशा में जा रहा हूं, तो क्या करता है, तुरंत वो ब्रेक लगा देता है अपनी गाड़ी की, रुक जाता है और फिर अपने बाद में अपनी सही दिशा में जाना शुरू करता है। जो एक्सपर्ट ड्राइवर है, जो अच्छी तरह से समय पर ब्रेक लगाना जानता है, वही अपने अल्टीमेट स्थान तक इजीली पहुंच सकता है, उस जर्नी का आनंद ले सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि अपना मन भी एक ड्राइवर है। अगर हम योग में बैठे हैं तो हम जा रहे हैं परम धाम, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या होता है कि और कुछ संकल्प मन में आ जाता है, वो फिर किसी भी तरह का संकल्प, क्योंकि मन का काम ही है विचार करना। बहुत बार हम ये सोचते हैं ना कि मन में बस एक ही विचार हो, एक ही संकल्प हो, वो हमारा एम नहीं है। एक्चुअली हमारा एम जो है बाबा के साथ कनेक्शन है और बाबा से गुण शक्तियां प्राप्त करना है, खुशी की अनुभूति करना है। बाकी जो मेडिटेशन है उनमें है कि एक ही थॉट में हो, स्थित होते हैं, लेकिन हमारा ये एम नहीं है। हमारा क्या है कि हमारे संकल्पों की दिशा एक, एक ही स्थिति में हम स्थित रहे। तो जैसे ही हम योग में बैठते हैं तो हमारा मन रूपी ड्राइवर यहां वहां जाने लगता है। तो जैसे ही हमें ये अवेयरनेस हो जाती है कि वहां जा रहा है, ठीक है, तो फुल स्टॉप का ब्रेक लगाए। तो कैसे लगाएंगे? बाबा कहते हैं कि फुल स्टॉप का ब्रेक में पॉइंट, जो फुल स्टॉप की मात्रा होती है ना, वो है पॉइंट या फिर बिंदी। तो मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, जो भी व्यर्थ संकल्प है उनके ऊपर फुल स्टॉप, और मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, शांत स्वरूप हूं, और फिर स्वयं बिंदी बन, पॉइंट बन, उस सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट बाबा की याद में हम फिर से मगन हो जाए। तो एक तो हम यहां बैठे हैं तो यहां पर ही मैं बिंदु और बाबा बिंदु दोनों साथ में बैठे हैं, बिंदु होकर बिंदु में समा जाए, या फिर हम सेकंड में परम धाम पहुंच जाए, उस स्टॉप का ब्रेक में बिंदु बनकर परम धाम पहुंच जाए, और वहां अपने जो अनादि स्वरूप है, बिंदु स्वरूप, उसमें हम स्थित रहे, और फिर सुप्रीम बिंदु बाबा के साथ में हम कंबाइंड रहे। तो जैसे व्यर्थ संकल्प चलने लगे हमारे, तो पॉइंट कुछ समय तक यह अभ्यास यहां पर या फिर परम धाम में अपनी बिंदु रूप स्थिति का, और फिर हम जो योग की हमारी दिशा थी पहले, जो स्थिति में हम थे, उस स्थिति के बारे में हमारे संकल्प चलने लगे। तो ये हो गया कि फुल स्टॉप का ब्रेक। इसमें और एक भी है कि अगर हम, क्या होता है बहुत बार कि हम बार बार अगर हमारे व्यर्थ संकल्प चल रहे, ऐसा कभी कभी होता है कि हम योग में बैठे हैं, हमारी इच्छा भी है कि मैं एक लंबे समय तक योग करूं, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, बीच बीच में आ रहे, माइंड में वो प्रवेश हो रहे हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि आपको बार बार फुल स्टॉप अगर लगाएंगे तो क्या होगा, आपको मेहनत भी लगेगी थोड़ी सी। ये तो बहुत अच्छी विधि है फुल स्टॉप लगाने की, लेकिन साथ साथ बाबा दूसरी विधि भी बताते हैं कि बार बार लगाना ना पड़े इसके लिए आपको टर्न भी अपने संकल्पों को करते आना चाहिए। तो एक जो एक्सपर्ट ड्राइवर होता है वो क्या करता है, अगर उसे पता पड़ गया कि वो किसी और रास्ते पर जा रहा है और दिशा में जा रहा है, तो क्या करता है, सही समय पर सही दिशा में अपनी गाड़ी को वो टर्न कर लेता है, तब भी वो अपने स्थान पर
एक्यूरेटली अपने टाइम पर पहुंच सकता है, अपनी जर्नी का आनंद ले सकता है। तो अपना हमारा जो मन है वो है ना ड्राइवर है, और ये जो बुद्धि है वो है हैंडल। तो जैसे ही हमें ये पता पड़ता है योग में बैठे हैं और हमें हमारा मन कहीं और जा रहा है, किसी और दिशा में जा रहा है, तो हम क्या करें, उससे हम सॉफ्टली टर्न करें अपनी सही दिशा में। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम योग में बैठे हैं तो बाबा की याद में बैठे हैं, बहुत स्नेहयुक्त बाबा की याद कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही अगर हम कहीं पहुंच गए मन द्वारा, फॉर एग्जाम्पल कोई स्थान पर पहुंच गए कि मुझे मार्केट जाना था, या फिर हमारे वर्क प्लेस पर हम पहुंच जाते कि मुझे ये करना था, हम पहुंच जाते मुझे ये लाना था या फिर यहाँ पहुंचना था, हमारा मन वहां पहुंच जाता है, वो संकल्प हमारे मन में आ जाते हैं। तो अगर ऐसे आते हैं तो हम क्या करें, अपने माइंड को अपने मन को सॉफ्टली टर्न करें। हाँ, कैसे करेंगे कि हे मेरे मन, सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, परम धाम, जो शांति का स्थान है, जो मेरे बाबा का और मेरे रहने का स्थान है, तो चल मुझे वहां लेके चल। तो हम उस स्थान का अगर कोई संकल्प है ना स्थूल स्थान का, तो उसे टर्न कर दे और फिर परम धाम पहुंच जाए, जहां हमें अल्टीमेटली जाना भी है, और वहां हम है ना परम धाम का अनुभव करें कुछ समय तक, और फिर से अपनी दिशा में हम चले। जो भी हमने स्थिति ली है, सामान लिया है, जो भी जिस विषय पर हम योग कर रहे हैं वो हम, बहुत बार ये होता है कि कोई हमें अपना संबंधी भी याद आ जाता है कि हम योग कर रहे हैं, बाबा से योग हम कर लगा रहे हैं, या फिर बाबा की याद में हम मगन हैं, और फिर कोई संबंधी हमें याद आ जाता है, या है ना कोई बच्चे का ही याद अगर आपको आ गई, तो हम क्या करें, तो हम अपने विचारों को सॉफ्टली उसे दिशा दे वापस कि बाबा तू तो मेरा सबसे अच्छा बेटा है, तू तो मेरा आज्ञाकारी बेटा है, मुझे कितना सुख देता है, तेरे साथ का अनुभव कितना प्यारा है, ऐसा लगता है कि बाबा आपके साथ मैं हमेशा रहूं। तो इस तरह से कोई भी प्रकार का संकल्प आता है, तो फिर कोई स्थान है, संबंध है, कोई भी हमें काम है, तो इस तरह से हम उसे टर्न कर दे। तो देखिए बहुत अपना योग भी बहुत मजेदार हो जाएगा, और हमारा जो मन है ना, हमें कभी कभी लगता है ना कि बहुत बार ऐसे होता है कि अपना मन अगर उसको हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया या फिर टर्न नहीं किया तो वो जाता है, दूर चला जाता है, बहुत हमारे संकल्प चलते हैं और हम उस व्यर्थ संकल्पों के जाल में भी फंस जाते हैं। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस, उसके बाद में फुल स्टॉप या फिर टर्न करें। तो कितनी इजी विधि ये बाबा ने हमें बताई है टर्न करने की। तो नेक्स्ट है कि हम कुछ अपने मन को टास्क दें, मीन्स कुछ काम, वर्क। अगर हम योग में बैठे हैं और बिना सोच समझे, है ना, बहुत बार होता है कि जैसे हम बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ सोच के बैठे हैं कि मुझे योग में क्या करना है, तो अपना मन सहज ही एकाग्र हो जाता है। जैसे एक ड्राइवर है, उसे पता ही नहीं है कि उसे कहाँ कहाँ जाना है, उसे आज क्या क्या काम करना है, तो क्या हो जाएगा, उसे उस ड्राइवर को अगर मालिक ने काम नहीं दिया है तो क्या करेगा मन, वो मन मिस ड्राइवर कि वो यहां वहां देखेगा, हाँ कुछ समय तक चलेगा, तो काम ही नहीं है, फिर यहां वहां देखेगा, लोगों से बात करेगा, तो उसका मन जो है वो अपने कार्य पर वो एकाग्र नहीं हो पाएगा ड्राइवर। लेकिन अगर उसे कोई टास्क दिया जाए उस ड्राइवर को कि आज आपको इतने बजे
बच्चे को स्कूल में छोड़ना है, बाद में आपको मार्केट जाना है, ये चीजें आपको खरीदनी है, और फिर आते वक्त मेरे अंकल है उनको आपको साथ में लेके आना है इतने बजे यहां से। तो उसे एक टास्क मिल गया तो वो अपने कार्य पर एकाग्र हो जाता है। हाँ, मुझे जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है और फिर वापस भी आना है इतने समय। तो वो पूरी एकाग्रता से वो कार्य कर लेता है। इसलिए टास्क नहीं है तो अलबेला हो जाता है, टास्क दिया तो एकाग्रता होती है ना ऑटोमेटिकली। तो ये जो इसके ये जो है ना कि ड्राइवर को अगर काम मिल गया तो एकाग्र होता है, तो वैसे अपना जो मन है वो भी ड्राइवर है, तो उसे भी हमें टास्क देने की आवश्यकता है। तो वो क्या देंगे हम? तो अच्छे संकल्पों का हम उसे फीडिंग देंगे। क्योंकि देखिए, अगर ये जो संकल्प है ना, संकल्प ये अपने मन का फूड है। जैसे शरीर का एक स्थूल फूड होता है, खाना होता है, वैसे ही संकल्प जो है ये अपने मन का फूड है। तो देखिए, जैसे हम अगर खाना खाने में बैठते हैं, अगर किसी को हमने खाना खाने बुला लिया अपने घर पर और उसे खाना नहीं दिया, या फिर हम भी बैठे हैं तो क्या हो जाएगा? अगर खाना आया ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? हम इधर उधर देखेंगे, इससे उससे बात करेंगे, क्योंकि सामने खाना है ही नहीं। लेकिन अगर जैसे ही खाना आ जाता है तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हम उस खाने पर एकाग्र हो जाए, और फिर अगर बहुत भूख लगी है तो जब तक वो खाना नहीं खा पूरा नहीं हो जाता, हम उस खाने पर एकाग्र रहे, तो ऑटोमेटिकली राइट। तो ऐसे हमारा मन भी है, तो उसे संकल्प देने अच्छे, उसे टास्क देना है, कुछ तो काम देना है उसे, राइट। तो क्या काम देना है हमें? फिर तो हम अलग अलग अनुभूतियां जो है वो हम करें। योग में बैठे हैं तो ऐसे नहीं कि बस आके बैठ गए, कुछ हम माइंड में सोचे उसके पहले, या फिर योग में बैठे हैं तो पहले 2 मिनट तक आज मुझे कौन सी अनुभूति करनी है उसके ऊपर आप सोचे। अगर आपने पहले नहीं सोचा है तो, अगर सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ माइंड में प्लान करके अगर हम योग करेंगे तो हम सहज एकाग्र हो जाते हैं। तो माइंड को काम देना है कि आज मुझे इस गुण की अनुभूति कर। फॉर एग्जाम्पल, शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इस गुण पर आज मुझे अनुभूति करनी। तो देखिए, गुण एक ही है लेकिन हम अनुभूतियां अलग अलग कर सकते, क्योंकि हम यहां बैठे हैं तो मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं शांत स्वरूप हूं, शांति मेरी ट्रू नेचर है, तो फिर शांति की अनुभूति धीरे धीरे हमें उस स्वरूप में जब हम स्थित होने लगते हैं, जो हमारा ओरिजिनल नेचर है उसके बारे में हमारे संकल्प चलने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे मन हमारा एकाग्र हो जाता है उस गुण के ऊपर। तो यहां अगर हम है स्थूल वतन में तो हमें अलग अनुभूति होगी, क्योंकि आसपास ये फिजिकल वर्ल्ड भी है। हम ऐसे अनुभूति करें कि जैसे ये वर्ल्ड है ही नहीं, मैं यहां बैठा हूं लेकिन अपने कमरे में हूं, शांत स्वरूप, सिर्फ मैं आत्मा और पाप, मैं शांति की शक्ति से भरपूर हो रहा। तो ये एक अलग अनुभूति होगी। सेकंड है कि जब हम परमधाम में जाते हैं, जो शांति धाम भी हम उसे कहते हैं, तो वहां कर जाएंगे हम और शांति के सागर बाबा के साथ में बैठ जाएंगे, तो वहां की अनुभूति कुछ और होगी। वहां के जो हमारा अनुभव है वो बहुत ही अलग तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ की शांति और वहां की शांति में अंतर है। वहां तो चीरकाल के लिए शांति है ना, एवर एवर की स्थूल वर्ल्ड है एक्चुअली। तो वहां पर मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा और बाबा भी शांति का साथ,
उस शांति के सागर में मैं समाया हूं, मैं शांति के सागर को ही अपने अंदर ले रहा हूं, खप कर रहा हूं। तो ऐसे अगर हम अनुभूति करते हैं तो हमें बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती है। तो ये हो गया परम धाम की, है ना, गुण एक ही है लेकिन अनुभूतियां अलग अलग है। सतयुग में भी शांति होती है ना, लेकिन वहां पे सुख शांति है ना, सुखमय शांति होती है। यहां पर भी सुख होता है लेकिन वो सुख सतयुग का अलग है। तो उस सुख शांति की अनुभूति जो है वो अलग होगी। तो हम सतयुग में पहुंच जाए कि कितनी शांति की दुनिया है ना, कितनी सुख की दुनिया है, हर जगह सुख ही सुख है। यहाँ पे अशांति का नाम नहीं, यहाँ एक भी आत्मा अशांत, ना वातावरण में अशांति है ना व्यक्तियों में अशांति। तो इस तरीके से हम अगर एक एक गुण को भी लें तो एक ही गुण पर हम अनेक अनुभूतियां कर सकते हैं। तो शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो एक एक गुण हम ले उसका हम अनुभव करते जाए। तो मन को क्या हो गया, टास्क मिल गया, काम मिल गया ना उसको, वर्क मिल गया। तो फिर धीरे 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 वो है ना, हमारा मन उसमें बिजी रहता है तो थॉट्स, व्यर्थ थॉट्स आएंगे। तो एक है गुणों की अनुभूति करना, फिर है कि स्थिति। बाबा ने हमें योग की अनेक स्थितियां बताई, उसमें से हमने कुछ लास्ट जो हमारा जून के सेशंस थे उसमें कुछ हमने कवर भी किए थे, और भी है तो उसकी भी हम अनुभूति कर सकते हैं। वो कौन सी है, आत्माभिमानी स्थिति है उसकी कर सकते हैं, विदेही स्थिति है, अशरीर स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है। तो एक स्थिति लेकर हम उसकी अनुभूति में खो जाए, उसके ऊपर हमारे संकल्प चलाए। जो भी बातें बाबा ने हमें मुरलियों में बताई है कि आपकी स्थिति कैसी बनानी है, हमें उसके बारे में हम संकल्प करें, वो हम अनुभव करें कि मैं वैसा बन रहा हूं। तो जैसे ही हम ये संकल्प करना शुरू करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है उस स्थिति के ऊपर, और फिर उसको बाहर जाने के लिए मार्जिन नहीं है, व्यर्थ आने के लिए मार्जिन है, क्योंकि वो बिजी है, मन बिजी है तो व्यर्थ संकल्प आएंगे नहीं। बाबा कहते हैं ना कि व्यर्थ संकल्प में एक माया का रूप है ना, वो भी तो माया क्या करेगी कि ये बिजी है, ये आत्मा बिजी है तो वो दूर से ही चलती जाए। और हमें उन स्थितियों की भी बहुत अच्छी अनुभूति, तो उस स्थिति की अनुभूति करने के लिए हम बहुत सारे है ना सपोर्ट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ना, जो कॉमेंट्रीज है उसका भी हम कुछ समय तक सपोर्ट ले, और फिर धीरे 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 जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर खुद से हमारा संकल्प चलाना हम शुरू करें, फिर हमें कॉमेंट्री की भी आवश्यकता नहीं। या फिर हम 5-10 मिनट के लिए कॉमेंट्री सुने, फिर नेक्स्ट 10-15 मिनट के लिए हम उस स्थिति में फिर स्थित हो जाए खुद संकल्प करके। तो ऐसे हमें धीरे 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 प्रैक्टिस करनी है और अपने मन को अनेक टास्क हमें देने। तो नेक्स्ट है कि कैसे हम और टास्क दे। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को पिकनिक को जाना बहुत अच्छा लगता है, हर एक को पिकनिक को बाहर घूमना अच्छा लगता है, तो ये जो मन है ना उसे भी घूमना अच्छा लगता है। अगर उसे घुमाया नहीं तो वो कंपल्सरी वो बाहर भाग जाता है, और फिर वो कहां पर भागता है। तो क्यों ना हम उसे ऐसी जगह पर लेके जाए कि वो खुशी से भरपूर हो, वो उस स्थान का आनंद ले। तो हम क्या करें, अपने मन को मन रूपी विमान में बैठकर हम अनेक जगह पर भी जा सकते। तो सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, स्थूल वतन में भी है ना, मधुबन। तो हम मधुबन में आ जाए, यहां पर आकर आप ओम शांति भवन या मेडिटेशन हॉल वहां पर आप बैठ जाए और ऐसी अनुभूति करें कि जो आपके बच्चे हैं यहाँ पे, जो मधुबन निवासी है, उनके बीच में बैठकर मैं योग कर रहा हूं, वो वाइब्रेशंस हम फील करें कि मैं यहां बैठकर बाबा से मिलन बना रहा हूं। फिर कभी मधुबन पहुंच जाए
तो कभी फिर लंदन पहुंच जाए, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, तो यूएस के तो कितने स्थान हैं। तो हम हर जगह जाकर वहां पर या हम वहां की अनुभूति करें, उस स्थान के वाइब्रेशन हम में भरें, अपनी सकाश जो है वो उस स्थान के आसपास की आत्माओं को दे, उनका आवाहन करें कि आप भी सेंटर पे आ जाओ, आप भी बाबा के बन जाओ, बाबा आपको बुला रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग स्थानों पर भी जाकर हम पिकनिक मना सकते हैं, तो बहुत आपको आनंद आएगा और मन आपका बिजी रहेगा। सेकेंडली, पिकनिक को हमें ना प्लेट मिलती है, तो पिकनिक प्लेट में भी बहुत वैरायटी होती है ना, कि स्वीट भी होता है, नमकीन भी होता है। तो हम पिकनिक को जाए अलग अलग स्थान पर, वहां पर हम अलग अलग अनुभूतियां कर, तो हमारा मन हमेशा बिजी रहेगा। और मन को और क्या टास्क दे हम, कि मनन करें योग में बैठकर। बाबा कहते हैं ना कि आपको योग में बैठकर विचार सागर मंथन करना। तो जैसे ही हम उस विचारों में गहराई में जाते हैं, तो हम एकाग्र ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो मनन अर्थात जो बाबा ने पॉइंट दी हुई है उसके बारे में अपने संकल्प चलाना। एक तो है उन जो बाबा के पॉइंट्स है, जो ज्ञान के पॉइंट्स है, उसको स्मृति में लाना, रिवाइज करना एक तो। सेकेंडली, उसकी गहराई में जाना, डेप्थ में जाना, उसके बारे में गहराई में सोचना। तो इस तरीके से हम अगर मनन करते हैं, तो फिर हम उस जो ज्ञान बिंदु है, ज्ञान का पॉइंट है, उसके ऊपर हम एकाग्र हो जाते हैं और फिर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आते। तो मनन के तो कितनी पॉइंट्स है, फिर भी हम बहुत डीप वाली पॉइंट ना भी ले, तो हम इजी इजी वाली पॉइंट भी हम ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, कि हमें कौन कौन से खजाने मिल गए हैं बाबा। अभी जो है कमिंग संडे है, उसकी अव्यक्तवाणी है, बहुत ही डेप्थ में बाबा ने हमें बताया कि आप बच्चों को कौन कौन से खजाने इस संगम युग में प्राप्त है। तो उसके बारे में हम सोचे कि बाबा ने हमें क्या क्या दिया है, कौन कौन से खजाने हमें दिए हैं। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना, संगमयुगी समय का खजाना, तो कितने सारे खजाने हैं। तो हरेक के बारे में हम अपने संकल्प चलाए कि कितना हमें ये कौन कौन से गुण मिले हैं, कौन कौन शक्तियां मिली है हमें। ज्ञान तो कितना है, गहरा ज्ञान है, एक्चुअली अनलिमिटेड ज्ञान है, बेहद का ज्ञान है। तो हर जो खजाने उसके ऊपर हम अपने संकल्प चलाए, उसकी अनुभूति हम करें, या फिर ये भी हम करें कि कौन कौन से भाग्य हमें प्राप्त है संगम युग में, हमें कौन कौन से भाग्य प्राप्त, कि कैसे लोग ढूंढ रहे हैं ना गॉड को, परमात्मा को, लेकिन हमें वो मिल गया, जिसका ज्ञान जो है बड़े बड़े विद्वान साइंटिस्ट को भी नहीं है, वो ज्ञान हमें है। जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है वो हमें हुआ ना, बाबा मिला है, तो हमारे पिता बनकर ना फादर के रूप में हमारी पालना कर रहा है, हमारा टीचर बनकर हमें सिखा रहा है, रोज नए नए हमें लेसन दे रहा है। फिर हमारा गुरु भी है जो हमें मार्ग दिखा रहा है, हमें रोज वरदानों से भरपूर करता है, बाबा पालना भी कर रहे, बहुत प्यार से पालना कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा कितना भाग्य है, हमें कितना अच्छा परिवार मिला है ना, लोगों को आजकल दो चार लोगों का है ना फैमिली होती है, लेकिन हमें तो कितनी बेहद की फैमिली मिली है, कितना बड़ा ब्राह्मण परिवार हमें मिला है, हमें क्या नहीं मिला है और आगे भी हमें क्या क्या मिलने वाला है स्वर्ग में, उसके बारे में भी फिर हम अपने संकल्प चलाए और उस अनुभूति हम खो जाए, वो अनुभव हम करें कि हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई है, क्या क्या भाग्य हमें प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से अगर हम मन को टास्क देते हैं, और भी बड़ी लिस्ट है, क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है बेहद का ज्ञान, तो ये टास्क हम उसे दे, तो फिर वो जो है मन बिजी रहेगा ना, काम देते रहेंगे उससे तो मन बिजी रहेगा। तो अपने व्यर्थ संकल्प फिर
नहीं चले। फिर नेक्स्ट है कि हम कुछ टारगेट दें, मन को टारगेट दें। देखिए, जब तक सामने कोई टारगेट नहीं है तब तक हम उस स्थान पर एक तो नहीं पहुंचते हैं या फिर हम केयरलेस हो जाते हैं, हम अलबेले हो जाते हैं। जैसे एक ड्राइवर को भी कुछ टारगेट नहीं है कि उसे कितने बजे पहुंचना है वहां पर, टारगेट नहीं है तो फिर क्या, वो कैजुअली लेता है, वो उठता भी आराम से है, जाता भी आराम से है, कहाँ रुक जाएगा क्योंकि पता ही नहीं कहाँ जाना है और कितने समय में जाना है पता ही नहीं उसे। वैसे ही हमारा मन भी है कि उसे अगर कोई टारगेट ना दिया जाए तो वो भटक जाता है। देखिए, अगर एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उसकी एग्जाम है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसकी एग्जाम कब है, डेट्स क्या है एग्जाम, या फिर जो सब्जेक्ट है उसके एग्जाम की, उसका फर्स्ट पेपर जो है वो कौन सा होने वाला है। एक तो पता नहीं उसको कि एग्जाम कब है, टाइम पता नहीं है कि एक महीना है, आठ दिन है या दो महीने, छह महीने है। दूसरा, और सब्जेक्ट जो है ना, पहला पेपर उसका कौन सा आने वाला है, लास्ट कौन सा आने वाला है, बीच में कौन सा है, उसे पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो पढ़ाई करने बैठेगा लेकिन फिर उसका मन होगा कि बाहर जाकर मैं खेलूं, दोस्तों के साथ मैं खेलूं या फिर मैं कहीं घूमने जाऊं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है टाइम का, उसको सीरियसनेस आई ही नहीं है अभी। या फिर क्या करेगा, हम मूवी देखेगा, कुछ ना कुछ देखेगा, सुनेगा या फिर बाहर घूमने जाएगा, खेलेगा। तो अपना मन जो है ना, वो भी एक्चुअली एक बच्चा है, वो क्या करता है, उसे अगर कुछ टारगेट नहीं दिया तो वो बाहर खेलने चला जाता है, बाहर घूमने चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम कुछ टारगेट देते हैं वो ऑटोमेटिकली एकाग्र हो जाता है। जैसे बच्चे को भी बोला कि आपकी एक महीने के बाद में एग्जाम है या फिर आठ दिन के बाद में एग्जाम, तो वो उसका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन उस पढ़ाई पर लग जाएगा, उस पढ़ाई पर वो एकाग्र हो जाएगा। तो वैसे ही हम खुद को भी ये टारगेट दे। वो कैसे देंगे, हम योग में बैठे हैं, योग से पहले भी हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम एक घंटे के लिए हम योग कर रहे हैं, तो मुझे एक 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 घंटे में मुझे क्या क्या करना है, एक घंटे में, एक घंटे का टारगेट है, और मुझे कितनी सारी अनुभूतियां करनी, कितने अनुभव मुझे करने, वो हम पहले से ही डिसाइड अगर करते हैं तो हम योग में एकाग्र बहुत इजीली हो जाते हैं। तो एक घंटे का योग है तो कुछ समय के लिए, 10 मिनट के लिए फिर बाबा की रूरिहान, बाबा से रूरिहान करें हम, फिर नेक्स्ट कुछ समय के लिए 10 मिनट के लिए हम एक सोमान ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैं स्वराज्य अधिकारी आदमी, फिर एक वरदान ले लें बाबा से, मैं संपन्न संपूर्ण बाप समान आत्मा, फिर बाद में एक स्थिति ले ले कोई, या फिर एक संबंध ले ले बाबा के साथ, कभी हम पिता के रूप में याद करें, फिर ना टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, बच्चे के रूप में, हम सफर के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में। तो ऐसे हम लिस्ट बनाए पहले, ये हम लिख भी सकते हैं, अगर माइंड में भी आप बनाते हैं, बुद्धि में अपनी लिस्ट, तो भी बहुत अच्छी बात है कि आज मुझे योग करना है एक घंटे के लिए, तो मुझे इस, मेरा टारगेट है कि एक घंटे में मैं ये 4-5 अनुभूतियां करूं। आप लिख भी सकते हैं एक्चुअली कि बाबा से रूरिहान, स्वराज्य अधिकारी हूं मैं, संपन्न संपूर्ण बाप समान आत्मा हूं, फिर स्थिति बीज रूप स्थिति, और फिर एक संबंध, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम पिता के रूप में या फिर दोस्त के रूप में या, और फिर मनसा सेवा, एक दिन हम मनसा सेवा भी करें। तो इतने सारे जो है ना, तो आपको ये लगेगा कि मुझे समय एक्चुअली कम पड़ रहा है। बहुत बार क्या होता है ना कि अगर माइंड में कुछ टारगेट नहीं है, टास्क नहीं है माइंड को, तो वो हम है ना घड़ी देखते हैं,
एक घंटा अभी खत्म होने को है, 45 मिनट्स है ना अभी खत्म होने को है, लेकिन अगर इस तरीके से आप योग करेंगे तो गारंटी है कि आपको समय कम पड़ेगा। अरे ये समय हो भी गया ऐसा आपने लगेगा, है ना, और बहुत एकाग्रता से हमारा योग होगा। तो बाबा से रू रिहान करेंगे तो कैसे करेंगे, हम बहुत स्नेह से बातें करेंगे बाबा से, जो भी हमारे दिल की बातें हैं हम बाबा से करें कि कैसे बाबा आप मुझे मिल गए, मैं कहाँ भटक रहा था, मुझे कितने प्यार से आपने मुझे अपना बना, आप कितना मुझे स्नेह दे रहे हो, कितना प्यार कर रहे हो मुझे, आप मुझे जितना प्यार करते हो उतना प्यार तो इस संसार में मुझे कोई नहीं करता। फिर हम दिल ही दिल बातें करो, कोई बातें होगी अपने मन में, हम किसी और से करते हैं ना कोई, है ना, हमारा मन खाली करते करते, तो बाबा के साथ में अपना मन खाली करे या फिर शेयर करे बहुत प्यार से, लेकिन है ना ऐसे नहीं कोई लेने देकर, बहुत प्यार से जो भी बातें शेयर करें। अगर कुछ हमें कुछ डिसीजन लेना है हमें अपने लाइफ का, तो वो बाबा के साथ में, कोई उलझन है तो वो बाबा के साथ में हम शेयर करें। तो इस तरीके से हम कुछ समय तक बाबा से प्यार से रिहान करें, फिर हम एक स्वमान लें कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मैं अपने मन का राजा हूं, मैं अधिकारी आत्मा हूं, मैं जितना समय तक चाहूं मन को एकाग्र कर सकता, जब चाहूं जितना समय तक चाहूं जहां चाहूं मैं अपने मन को एकाग्र कर सकता हूं। हम तो एक्चुअली कर्मेंद्रियों को तो राजा है ही, जो स्थूल कर्मेंद्रिय है, लेकिन मन के भी राजा है, मन बुद्धि के भी हम राजा है, क्योंकि ये हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है, सूक्ष्म शक्तियां है, तो मैं उनको कंट्रोल करने वाला। इस तरीके से हम अनुभूति करें और भी उसके डीप में जाए। फिर एक वैसा मान, फिर वरदान ले ले बाबा से कि मैं संपन्न हूं, संपूर्ण हूं, बाप समान हूं। तो संपन्न मीन्स सभी गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, तो और बाप समान हूं। तो बाप समान मीन्स क्या, जैसे बाबा है वैसा मैं, जैसे बिंदु शिव बाबा वैसा मैं, जो बाबा के संकल्प वही मेरे संकल्प, जैसे बाबा के बोल वैसे मेरे बोल, जो बाबा के श्रेष्ठ कर्म वैसे ही मेरे कर्म, जो बाबा का भाव वैसे ही मेरा भाव। तो इस तरह से मैं रूप में भी, गुणों में भी, स्वरूप में भी, सभी बातों में मैं बाबा के समान, और स्थूल रूप में ब्रह्मा बाबा के समान, जैसे बाबा थे वैसा ही मैं स्नेह की मूरत हूं बाबा जैसी, मैं जितना स्नेही हूं, जितना सर्वस्नेही हूं, उतना ही मैं नष्टो महादेव हूं, उपराम हूं, अपकारी पर उपकार करने वाला हूं, परोपकारी आत्मा हूं, जितना मैं रमणीक हूं उतना मैं गंभीर भी हूं। तो जो ब्रह्मा बाबा के गुण एक्चुअल में लोगों, है ना, जो आत्मा ने देखे, जो वर्णन है, वो हम खुद में अनुभव कर, अभी जो बाबा से मिले हुए हैं उनसे पता है ही, लेकिन हमें भी ऐसा अनुभव नहीं होता ना कि बाबा से नहीं मिले हैं, हमें भी अनुभव होता कि हम सही नहीं मिले बाबा से। जैसे हम बाबा के कमरे में बैठते हैं, बाबा तो सामने होता है हमारा, और इतनी अव्यक्त वाणियां है, साकार वाणियां है, इतनी लिटरेचर है, उससे हमें पता पड़ता है, तो ऐसा नहीं लगता हमें कि बाबा हमें देखा नहीं, बाबा को हमने देखा है और वैसा मैं हूं। तो वैसा वरदान बाबा से लेना कि बाबा मैं वैसा बन गया हूं आपके साथ। फिर कोई संबंध ले ले एक, फिर हम मनसा सेवा करें, अपने स्थान को हम वाइब्रेशंस दे, सकाश दे, आसपास की आत्माओं को, अपने लौकिक अलौकिक परिवार को हम सकाश दे कभी, फिर विश्व को सकाश दे। तो इस तरीके से अगर हम अपने योग के समय को डिवाइड करते हैं, उसे टारगेट देते हैं मन को कि आपको ये टास्क कितने समय में करना है, तो मन सहज ही एकाग्र हो जाता है और योग में बहुत मजा भी आता है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जो भी हमने ये देखे ना पॉइंट्स, वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें एफर्ट्स नहीं लेने पड़े,
फॉर एग्जाम्पल हमें टर्न करने के लिए एफर्ट लेने पड़ रहे, तो ऐसा नहीं होगा आपका आगे जाके, है ना। जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे है ना, ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर पहले सीखता है ब्रेक कैसे लगाना है, एक्सीलेटर कभी देना है, गियर कैसे चेंज करने हैं, या फिर हैंडल कैसे घुमाना है, हर किस समय पर घुमाना है, उसे वो कॉन्शियसली करता है ये सब। लेकिन जैसे ही हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ड्राइवर का क्या हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। उसे ब्रेक में दबा रहा हूं ये सोचना नहीं पड़ता, मैं कहां हैंडल घुमा रहा हूं ये सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। वैसे भी इस विधि से अगर हम योग करते हैं तो प्रैक्टिस से धीरे 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 हम ऐसे हो जाएंगे कि हमें एफर्ट्स नहीं लेने पड़े। इसके लिए बाबा कहते हैं दो वर्ड्स, एक है अटेंशन और अभ्यास, अर्थात अटेंशन और प्रैक्टिस। तो अटेंशन अर्थात अपने मन पर बुद्धि का पहरा हो कि मन मेरा कहाँ भाग रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है और कब जा रहा है, तुरंत उसे लेकर आए, बुद्धि का पहरेदार उसे तुरंत पकड़ ले और यहां वापस बिठा दे अपने मस्तक सिंहासन पर, अपने आसन पर। ऐसे हम हमेशा हमारा अटेंशन है। और प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस, जैसे हम किसी भी बात की प्रैक्टिस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है सब, है ना। जैसे मैंने कहा ना आपको, ड्राइवर को कुछ सिखाना नहीं पड़ता बाद में कि आपको ऐसे करो, पहले सीखता है वो, प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक साल के बाद में, 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। वैसे भी वो हमारा ऑटोमेटिक हो जाए, इसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, अभ्यास करना है ना, मीन्स प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। जैसे ही हम ये करने लगते हैं तो फिर इजीली हम एकाग्र हो सकते हैं। गीता में वर्णन है, गीता में क्या वर्णन है कि अर्जुन पूछता है भगवान को कि भगवान मेरा मन जो है ये मेरे वश में नहीं है, कोई एकाग्र नहीं हो पाता है, तो उसे क्या एडवाइस मिलती है कि आपको एक तो प्रैक्टिस करनी है और दूसरा है मिस अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य भी हो और अभ्यास भी हो। तो प्रैक्टिस में एक ही चीज आप बार 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 करेंगे तो वो ऐसी हो जाएगी कि आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे ना, एफर्टलेसली आप सब कुछ करने लगेंगे। और फिर नेक्स्ट है कि वैराग्य। देखिए जो तपस्वी होते हैं ना, एक तो हम राजयोगी आत्माएं और तो दूसरी है कि जो बाकी जो योगी है, दुनिया की योगी और तपस्वी आत्माएं, तो वो भी क्या करते हैं, वो एकाग्र होने के लिए, तपस्या के लिए, वो इस जो संसार है, फॉर एग्जाम्पल जो संबंध है हमारे रिलेटिव, संबंध, साधन और संपत्ति, वैभव, इनसे वो दूर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। उन्हें लगता है कि अगर हम इनसे दूर जाएंगे तो हम सहज ही एकाग्र हो जाएंगे, तपस्या कर पाएंगे। तो कुछ हद तक तो वो सक्सेसफुल होते हैं उसमें, राइट, लेकिन उन्हें बाबा का ज्ञान नहीं है, लेकिन जो प्राप्ति है हमारी इतनी नहीं होती उनमें, लेकिन वो स्थूल रूप से जाते हैं। बाबा कहते हैं कि आपको सब कुछ छोड़कर नहीं जाना है, आपको यहां ही रहकर, गृहस्थ में ही रहकर, इस दुनिया में ही रहकर आपको सब कुछ करना है। उसके तो कारण है, एक्चुअली एक तो है कि हम सब कुछ छोड़कर नहीं भी जा सकते, हर कोई नहीं जा सकता। दूसरा है, अगर हम सब कुछ छोड़कर चले भी जाएंगे तो फिर हम खुद को तो परिवर्तन कर लेंगे, औरों को कैसे हम परिवर्तन करें, इसके लिए भी हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उससे लेना है कुछ। क्या लेना है, कि संबंध हमारे, साधन और संपत्ति, तीनों बातों से हमें बुद्धि द्वारा डिटैच रहना। जैसे ही हम ये प्रैक्टिस करते हैं बुद्धि द्वारा डिटैच रहने की, धीरे 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 वो खींच कम हो जाती है हमारी और हमारा मन सहज ही एकाग्र हो जाता है अपने आत्मिक स्वरूप पर और बाबा पर। तो
एक तो है कि संबंध, तो हमें संबंध तो छोड़ने नहीं है, हमें सबके साथ रहना है, पूरी हमारी जो फैमिली है, लौकिक अलौकिक फैमिली, उसके साथ में हमें रहना है, लेकिन बुद्धि से डिटैच रहना। तो उसके लिए तो सिंपल एक बाबा ने कहा है ना कि आपको बाबा को बीच में ले आना है, कि बाबा आपके कारण मुझे फैमिली मिली। अगर हम लौकिक फैमिली में भी रह रहे हैं तो बाबा मैं ईश्वरीय सेवार्थ, इस जो लौकिक संबंधी है उनमें रह रहा, मेरा आपसे कनेक्शन है और आपका उनसे है, या फिर वो जो भी संबंधी है उनका मेरा जो कनेक्शन है वो बाबा के थ्रू है। तो इस तरीके से अगर हम उनके बारे में सोचते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, जब भी वो संबंध याद आए या सामने आए, तो धीरे 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 हमारी बुद्धि जो है उनसे हटने लगती है, खुद पर और बाबा पर एकाग्र होने लगती है। और फिर साधन भी, जो भी हम साधन यूज कर रहे हैं तो वो तो आवश्यक है ही। बाबा कहते हैं कि आप जो है ना साधनों का त्याग मत करो, लेकिन आप ऐसे तपस्या करो कि साधन आपकी साधना को डिस्टर्ब ना करे, मीन्स उसमें आप अटके नहीं। तो कोई भी साधन यूज करते समय स्मृति रहे, एक बैक ऑफ द माइंड में ये स्मृति रहे कि मैं यूज कर रहा हूं लेकिन मेरे सेवा के साधन है। जो भी यूज कर रहा हूं, मोबाइल यूज कर रहा हूं, टीवी यूज कर रहा हूं, मैं सेवा के लिए यूज कर रहा हूं, मैं पर्सनल बातों के लिए नहीं यूज कर रहा, मैं बाबा की सेवा के लिए यूज कर रहा हूं। और वो साधन मिले या ना मिले, यहां पर डिस्टर्बेंस नहीं। इस तरीके से हम साधनों से भी, हम बुद्धि द्वारा हम डिटैच रह सकते हैं। और फिर अपनी संपत्ति, वैभव, जो भी अपने पास है, घर है, गाड़ी है, संपत्ति है, जो भी हमारे पास है वो भी हम ट्रस्टी होकर संभालें। बाबा सब कुछ आपका है, एक खजाना जो भी है मेरे पास वो सब कुछ आपका है, आपको अर्पित है, ये आपका ही है, मैं बस उसको ट्रस्टी होकर, डिटैच होकर उससे मैं संभाल रहा, मैं निमित्त मात्र हूं, मैं सेवार्थ ये सब कुछ ग्रहण कर रहा हूं, ये संभाल रहा हूं, ये सब कुछ आपका है। और एक बात ये भी है कि जितना हम धन ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे उतना अपना मन भी लगेगा वहां पर, अर्थात जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन भी होगा। ये तो एक रूल है, एक नेचर लॉ है। तो बाबा ने जो कहा है ना कि जो भी हो सके आपको, वो तो एक अलग विषय है कि वो कैसे लगाना है हमें, लेकिन जितना हो सके हमारा धन भी बाबा के सेवा में लगेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे मन की एकाग्रता बनेगी, मन भी बाबा में लगेगा। तो इसके लिए हमें ये तीन बातों से भी बुद्धि द्वारा डिटैच रहना। तो एक तो गया कि अटेंशन और अभ्यास, राइट, और फिर वैराग्य और अभ्यास। अगर हम इन बातों को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हमारी एकाग्रता जो है वो बढ़ने लग जाती है। और फिर एकाग्रता के लिए बाबा और भी हमें कहते, बाबा कहते हैं कि आपका ये जो योगी जीवन है उससे आप योग और योगी जीवन को आप अलग मत करिए, उसको आप अलग मत रखिए। कैसे कि हम क्या सोचते हैं कि हम मेडिटेशन रूम में बैठे, बाबा के रूम में बैठे और हमारा योग लग जाए, हम तुरंत लग जाए, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन बहुत बार ये नहीं भी होता है। क्योंकि अगर हम बाकी हमारा जो जीवन है, जो मेडिटेशन रूम के बाहर का हमारा जो जीवन है वो योगी लाइफस्टाइल से, योगी जीवन से मैच नहीं खाता, तो आपका योग नहीं लगने वाला, आपका मन एकाग्र नहीं होने वाला उतना जितना हम चाहते हैं। तो हम उस योग को अपने जीवन में ही ढाल ले, योग को, मेडिटेशन को और अपने जीवन को हम अलग ना समझे। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि आप जब भी आप कर्म करें, जब भी आप आपका जो स्थूल कार्य करते हैं, उस समय पर भी
आप एक्चुअली योग की प्रैक्टिस भी करें, है ना। ये प्रैक्टिस का भी पार्ट है और योगी जीवन का भी पार्ट है। तो जब भी हम अपनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए, जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, बाबा ने एक सहज विधि बताई है, ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल अर्थात देखिए, ड्राइवर है वो कहीं जा रहा है, लेकिन वो स्क्वेयर पर आ गया, वहां सिग्नल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ से ट्रैफिक आ जाएगी और वो आगे नहीं जा पाएगा। क्या उस अवस्था में उसका माइंड एकाग्र रह सकता है? अगर वो ट्रैफिक में फंस गया है बुरी तरह से, तो क्या वो एकाग्र रह सकता है? नहीं, वो डिस्टर्ब माइंड हो जाएगा उसका, क्योंकि ट्रैफिक में फंसा हुआ है। वैसे ही हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हम विचारों के ट्रैफिक में फंस जाते हैं। हमारा जो काम, हमारा जो है रूटीन काम है, वर्क का, वो है, कोई सामने व्यक्ति है उसका प्रभाव हमारे पर है, कभी कभी मल्टीटास्किंग होता है, तो इस तरह से हमारे मन में बहुत सारे व्यर्थ विचार भी आते हैं, बहुत सारे विचारों का घालमेल हो जाता है। तो हम बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल कर, अर्थात हम कुछ सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए रुक जाए। वो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, हमारा लौकिक कार्य भी रोक दे और मन को भी रोक दे। रोक दे अर्थात शांत स्वरूप में स्थित हो जाए, पॉइंट ऑफ लाइट बनकर। ट्रैफिक कंट्रोल अर्थात मन में संकल्प जो है, स्टॉप, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत हूं। तो शांति की अनुभूति हम में खो जाए, बाहर कितना भी हलचल हो, बाहर कितना भी कोलाहल हो, मैं शांत। तो एक तो है कि हम 1 मिनट के लिए करें। अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें जो है ना, हम सेंटर पर भी रहते हैं तो वहां पर है ना, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है। उसमें क्या होता है, समय समय पर हम अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम, हमारा ये रूटीन हो जाता है, तो पहले तो हम बहुत एकाग्र रहते हैं ना, गीत पर भी एकाग्र रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि गीत चल रहा है पर मन के थॉट्स अलग चल रहे हैं। हम शारीरिक रूप से स्टेबल है लेकिन मन यहां वहां भाग रहा है, ऐसे भी होता है। तो एक तो हम संकल्प दे, पॉइंट ऑफ लाइट बन जाए, सब कुछ समेट कर मन बुद्धि से बैठ जाए यहां पे, और फिर हम 1 मिनट के बाद में हमारा कोई भी कार्य शुरू करें, तो वो शांति की अनुभूति आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी, एकाग्रता की शक्ति को आपको बढ़ाएगी। क्या होता है कि हम बीच बीच में ये करते रहेंगे तो अपनी जो एकाग्रता की लेवल है वो धीरे 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 बढ़ने लगेगी, और फिर हम जब योग में बैठते हैं, फिर जब हम एक्चुअल मेडिटेशन करने बैठते हैं, रूम में बैठते हैं, तभी हमें फिर वो एफर्टलेसली हो जाए। हमारी स्थिति ऑलरेडी बनी हुई है, हमारे एकाग्र होने के लिए हमें मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। तो एक है ट्रैफिक कंट्रोल, सेकंड है कि ड्रिल्स, बाबा ने बहुत हमें ड्रिल्स भी सिखाई है कि बीच बीच में आप रुक कर ड्रिल्स करें। तो एक तो है कि व्यक्त में रह के अव्यक्त स्थिति, मैं इस व्यक्त दुनिया से परे अव्यक्त विदेही आत्मा हूं, ऐसे हम कुछ समय तक हम उस स्थिति में स्थित रहे। या फिर अशरीर स्थिति, मैं शरीर में हूं, शरीर से अलग हूं, या फिर ये शरीर जैसे है ही नहीं, बस पॉइंट ऑफ लाइट, बाहर डेड साइलेंस, एकदम शांत, मैं आत्मा भी शांत, बाहर भी शांत, मन में विचारों की गति भी शांत, मैं शांत स्वरूप आत्मा, ऐसे हम 1 मिनट तक ये करें। साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि हम बीच बीच में हम मनसा सेवा करें, मनसा सेवा करें अर्थात हम बीच में अपना कार्य रोक कर अपनी मनसा शक्ति द्वारा वाइब्रेशंस फैला। तो जहां हम बैठे हैं वर्क प्लेस में, उस स्थान को हम वाइब्रेशंस दें, उस जहां वो आत्माएं बैठी है, हमारे जो कलीग्स है, या फिर हम सेंटर में बैठे हैं, हमारे जो ब्राह्मण आत्माएं साथी है,
उनको हम वाइब्रेशन दे, उस स्थान को वाइब्रेशन दे, या फिर पूरे विश्व को वाइब्रेशन दे। तो शुभ भावना, शुभ कामनाएं, शांति, शक्ति, ये हम वाइब्रेट करें, ठीक है। और इस तरीके से हम हर एक को सकाश दे, मनसा सेवा हर एक करे, तो जितना हम देंगे उतना हमें वापस मिल जाता है। जितना हम लोगों को देते हैं उतना ही हमें वापस मिल जाता है। मैं इस क्या है कि हमारी एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है, हम एकाग्र ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अगर आप शक्तियों का दान देंगे उतनी आपको शक्तियां मिलेगी, उतना हमारा स्टॉक जो है अंदर भरपूर होगा। जैसे कोई चीज है हमारे पास, वो हम इन्वेस्ट करते हैं पैसों को भी, फॉर एग्जाम्पल, तो वो बढ़ती है। अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगी। वैसे ही अपने पास जो शक्ति है उसे भी इन्वेस्ट करें और उसके कल्याण के लिए। तो जैसे ही हम मनसा सेवा करेंगे ऑटोमेटिकली हम गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से, एकाग्रता की शक्ति से भी हम भरपूर होंगे। और हम योग में, फिर जब हम योग में बैठते हैं तब हम लंबे समय तक हम एकाग्र रह पाए। तो इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी शक्ति जो है, एकाग्रता की शक्ति, वो बढ़नी ही है, हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर भी अगर बाबा कहते हैं कि इतना करने के बाद में भी आपको अगर संकल्प आ रहे हैं, व्यर्थ संकल्प, तो आप उस व्यर्थ संकल्पों को बाबा को समर्पण कर दे, सरेंडर। जो भी मन में संकल्प है, जो भाव है, सब कुछ हमारे मन में जो भी चल रहा है वो तो बाबा को अर्पण करो। जो भी व्यर्थ है, तो बाबा तो सर्वसमर्थ है, वो सब कुछ ले लेता है और हमें वो भरपूर करता है। तो वो ले लेगा, हमें व्यर्थ लेगा और हमें शक्तियों से, गुणों से भरपूर करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी शक्तियां बढ़ने लगती है और व्यर्थ समाप्त हो जाता है और हम भी समर्थ बन जाते हैं। तो एक समर्थ आत्मा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कितने समय तक भी एकाग्र रह सकता है। बस आप एक सच्ची दिल से, बाबा कहते हैं कि बस ऊपर ऊपर नहीं, सच्ची दिल से, साफ दिल से जो भी हमारे अंदर है वो बाबा को अर्पण कर दे। और बाबा ये भी कहते हैं कि अगर आपका योगी जीवन नहीं है, देखिए अभी संडे को एक अव्यक्तवाणी चली थी, दो संडे पहले की, कि योगी और योगी तू आत्मा या फिर योगी जीवन, इसमें डिफरेंस है। क्योंकि जो लक्षण है हमारे वो हम में आ जाने चाहिए, योगी जीवन वाले, सिर्फ योगी नहीं, योग लगाने वाले नहीं, आप याद स्वरूप बन जाओ, आप योगी जीवन वाले बन जाओ। अर्थात आप मेडिटेशन रूम में जो बैठे हो वो, और आपका जो जीवन है बाहर का, वो उसमें अंतर ना हो। अर्थात देखिए, अगर हम योग में बैठे हैं और व्यर्थ विचार चल रहे हैं, वो क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारे जो संबंध है वो ठीक नहीं। अभी अगर हम अपने जीवन में कर्म करते हुए अगर किसी व्यक्ति के साथ में टकराव है तो क्या हो जाएगा? यहां हम डिस्टर्ब हो जाए। अगर हम किसके साथ में जिद करते हैं ना, जिद करते हैं, या फिर हमारा टकराव होता है, डिबेट करते हैं, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो हमारी एकाग्रता है वो हमारी भंग हो जाती है। फिर हम जब योग करने बैठेंगे तो वही हमें याद आए। एक तो यहां बाबा रहेगा या फिर वो व्यक्ति रहेगा, दोनों में से कुछ एक रह सकता है। इसके लिए हम इससे दूर रहे, स्वभाव संस्कारों का टकराव नहीं, सरल रहे, उसके साथ में हम मोल्ड कर ले या फिर सब कुछ बाबा पर सौंप दे, समर्पित कर दे बाबा के ऊपर, जो भी संबंध है, जो भी है, बाबा के ऊपर
समर्पित कर दें और डिबेट ना करें तो हम यहां शांत रहेंगे हमारे यहां। सेकेंडली, जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे उतनी एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। अंतर्मुखता और एकाग्रता दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अगर हम अंतर्मुखी नहीं है तो हम एकाग्र भी जल्दी नहीं हो पाएंगे या फिर हमारी एकाग्रता टिक नहीं पाएगी। तो अंतर्मुखता दोनों बातों की, मौन दो बातों का, मौन का, मुख का मौन और मन का मौन, दोनों चाहिए। अभी देखिए, अगर हम कर्म व्यवहार में है तो हमें बातचीत तो करनी पड़ती है, लेकिन हम उसे कम से कम रखें जितना पॉसिबल। व्यर्थ बातें हम ना करें, यहां वहां की बातें ना करें कि यहाँ ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसा है, वैसा है, ये बातें हम ना करें। जो भी आवश्यक बातें हैं वही हम करें। हम बहुत बार सोचते हैं लेकिन ये मौन का हो नहीं पाता है ना, पूरे दिन का मौन अगर नहीं भी हो पा रहा है तो हम संडे एक दिन कर सकते हैं, या फिर हम हाफ डे का मौन कर सकते हैं, या फिर जो हम काम कर रहे हैं, हमारा जो वर्क है, एक्चुअल वर्क अर्निंग के लिए वो हम कर रहे हैं, उसके अलावा, सेवा के अलावा हम बात ना करें एक दिन के लिए, या फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हम बढ़ाते जाए तो फिर हमारी धीरे 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 एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाए। क्योंकि वाचा की शक्ति बाहर जा रही है तो सेव हो जाएगी, तो वो हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम ये भी करें कि हम 3 घंटे का, 4 घंटे का मौन रखें। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में 4 से 8 बजे मौन रखना है, ये भी हम कर सकते हैं। तो अंतर्मुखता, सेकेंडली अंतर्मुखता मीन्स मन की, सब कुछ बुद्धि द्वारा समेट कर शांत स्वरूप आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, सबके बीच में रहते, बीच बीच में प्रैक्टिस करें अंतर्मुखता की। तो इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो एकाग्रता धीरे 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 बढ़ने लगेगी और फिर वही योग में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो एक तो अंतर्मुखता, उससे एकाग्रता बढ़ेगी, और बाबा से जो भी बातें हैं बाबा को समर्पण, सरेंडर। अगर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है तो सरेंडर, लास्टली सरेंडर करें बाबा को, बाबा सब कुछ ले लेगा और हम, हमारी एकाग्रता बनी रहेगी। और कुछ आ भी रहा है वापस अपने पास तो बाबा वापस दे दे बाबा, नहीं बाबा मुझे ये नहीं चाहिए, मैं मुझे नहीं लेना चाहता हूं वापस, ये आपका ही है, आप ही इसको संभालो। तो बाबा की पोटली बहुत बड़ी है, वो सब कुछ ले लेता है और हमें एकाग्रता की शक्ति बढ़ने में बहुत हेल्प होती है। देखिए, जब भी हम यहाँ मधुबन में आते हैं बहुत कुछ सोच के आते हैं, ये मेरे साथ होता है बहुत बार कि मुझे ये करना है, पापा से, पापा के झोपड़े में बैठे हैं तो फिर कुछ बातें कर रहे पापा, तो जो सोच के आते हैं ना तो बाबा के साथ बैठ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है, जो बात करनी है वो भी समा जाती है, ऐसा हमें अनुभव होता है। वो बाबा को देनी भी नहीं पड़ती, बस साफ दिल चाहिए कि मुझे देना है, बाबा ऑटोमेटिकली ले लेता है, सब संकल्प स्टॉप हो जाते हैं। कितना अच्छा हम अनुभव करते हैं बाबा के रूम में, बाबा के झोपड़ी में, या फिर घर पर भी हम करें इस अनुभव। तो इस तरीके से अगर हम योग करेंगे, एक तो जो अपना मेडिटेशन रूम है ना, बाबा रूम है, उसके अंदर भी और बाहर भी हमारा योगी जीवन, दोनों हमारा हम बैलेंस रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे ऐसी अवस्था हो जाएगी कि वह संकल्प आएंगे ही नहीं। बाबा कहते कि वो लास्ट में होगी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो लास्टली ऐसे हो जाएगा कि बस मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, बस इतने तक ही सब कुछ समेट कर, सब कुछ समेट कर यही बस रह जाएगा और फिर हम उठकर चलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम योग में अपनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाते हैं तो बाबा भी हमसे बहुत खुश होंगे। तो मुझे विश्वास है ये कि आप ये जो बाबा ने बातें बताई हुई है उसको जरूर फॉलो करेंगे। अभी अगर समय है तो हम एक
15 मिनट्स के लिए मैं यहाँ मधुबन बैठा हूँ। जैसे मैंने कहा आपको कि हम पिकनिक भी कर सकते हैं, या फिर हम मन से, मन रूपी विमान से कहीं पर भी जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपका मन जब भी चाहो आप मधुबन पहुंच जाओ, राइट। तो अभी हम एक अभ्यास करेंगे, एक यात्रा करेंगे, मधुबन के 4 धामों की यात्रा। तो आप ऐसे अनुभव करें कि आप भले ही आप वहां बैठे हैं, लेकिन आपने आपके मन रूपी विमान में बैठकर या फिर फरिश्ता बनकर आप यहां पहुंच गए हो, और आप जो 4 धाम हैं, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबाज रूम और बाबा की कुटिया, उसका हम चक्र लगा रहे हैं, 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, वहां बैठे वो हम अनुभव करेंगे, ठीक है। तो सभी ठीक एकाग्र हो है जाए, आप जहां पर भी बैठे हैं सब कुछ भूलकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं। मैं दिव्य प्रकाश से भरपूर हूं। अनुभव करे मुझसे निकलता दिव्य प्रकाश मस्तक से होकर पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरा ये दिव्य अलौकिक प्रकाश शरीर के कण कण में समा रहा है। पूरा ही शरीर दिव्य प्रकाश से भरपूर हो गया है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे इस स्थूल शरीर के बदले मैंने लाइट रूपी शरीर धारण कर लिया है। मैं फरिश्ता बन गया हूं। अब ज्ञान योग के पंख लगाकर फरिश्ता बन उड़ चले मधुबन की ओर। देखेंगे स्वयं को, मैं फरिश्ता आकाश मार्ग से उड़ते हुए मधुबन घर की ओर आ रहा हूं। मैं उड़ते हुए पहुंच गया आबू पर्वत पर। अनुभव करे मैं फरिश्ता पांडव भवन में प्रवेश कर रहा हूं। पांडव भवन के प्रांगण में प्रवेश करते ही मुझे यहां दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा है।
फील करें वो वाइब्रेशंस। अनुभव करें तपस्या का वो वातावरण। देखिए स्वयं को पांडव भवन के प्रांगण में फरिश्ता बन, बीचो बीच खड़े हुए अब मैं फरिश्ता सुन रहा हूं अव्यक्त बाप दादा की वो अव्यक्त आवाज। बच्चे शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ पहुंच जाना। बाबा की आवाज सुनते ही मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूं शांति स्तंभ के एकदम सामने। अनुभव करेंगे स्वयं को मैं फरिश्ता शांति स्तंभ के सामने खड़ा। देखे वो शांति का स्रोत, शक्ति का स्रोत। चारों ओर अव्यक्त वातावरण, डीप साइलेंस। ऐसा अनुभव हो रहा है ब्रह्मा बाबा अपनी बाहें फैलाए मुझे और करीब बुला रहे हैं। आओ बच्चे, मैं फरिश्ता बाबा के एकदम करीब पहुंच गया। शांति स्तंभ को देखे, बाबा को देखे, अनुभव करे शांति स्तंभ से निकलती शांति और शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही है। शांत बनते जा रहा हूं। शांति स्तंभ से निकलता शक्तियों का निरंतर प्रवाह मुझ में बल भर रहा है। मैं असीम शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं। मैं शांत हूं, शक्तिशाली हूं। शांति स्तंभ से बहुत करीब बैठकर मैं अपने शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस विश्व में दूर दूर तक फैला रहा हूं। अब चले हिस्ट्री ऑल की तरफ।
व्यर्थ संकल्प चल रहे हो, हिस्ट्री हॉल पहुंचाना, ये समर्थ स्मृतियों में समाने का धाम है। हिस्ट्री हॉल में बैठकर अनुभव करें, सभी आदि रत्नों का, दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। सभी आदि रत्न मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। उनकी तपस्या के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। व्यर्थ संकल्प समाप्त, मन में सिर्फ समर्थ संकल्प। अब मैं सुन रहा हूं बाबा की वो अव्यक्त आवाज, बच्चे मन में बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में पहुंचाना, बाबा की आवाज सुनते ही मैं फरिश्ता पहुंच गया बाबा के कमरे में। ये समान बनने का धाम है। मैं अव्यक्त बाप दादा के एकदम सन्मुख हूं। निहार रहा हूं बाबा के दिव्य नयनों को। देख रहा हूं बाबा का वो दिव्य तेजोमय रूप। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। फरिश्ता स्वरूप बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ऐसा अनुभव हो रहा है बाबा सर्वगुण और सर्वशक्तियां मुझ में भर रहे हैं। मैं सर्वगुणों से संपन्न बन रहा हूं, सर्वशक्ति संपन्न बन रहा हूं। अनुभव करेंगे बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। और बाबा ने मुझे वरदान दिया, बच्चे संपन्न संपूर्ण बाप समान भव। बाबा का वरदान मिला और मैं वरदान का स्वरूप बना। बाप समान स्थिति का अनुभव। अब मैं चलता हूं
पापा की कुटिया की ओर। सुन रहा हूं बाबा की आवाज। बच्चे मन में उलझन हो तो बाबा की कुटिया में पहुंच जाना। मैं पहुंच गया बाबा के एकदम सामने। ये स्नेह मिलन का धाम है। चारों ओर स्नेहमयी वातावरण है। बाबा मुझे स्नेहमयी दृष्टि दे रहे हैं। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं बाबा की गोदी में बैठा हूं। बाबा की गोदी में बैठकर अभी सभी उलझने समाप्त। बाबा मुझे अपार स्नेह दे रहे हैं। मैं स्नेह से भरपूर हो रहा हूं। मन में जो बोझ था बाबा ने ले लिया है। मैं निर्बोझ हूं। हल्केपन का अनुभव कर रहा हूं। अब डबल लाइट बन। चारों धामों की यात्रा पूरी करके फिर से अपने फरिश्ता स्वरूप में उड़ते हुए पहुंच जाए अपने स्थान पर। अनुभव करे मेरा फरिश्ता स्वरूप इस स्थूल शरीर में समा गया। मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।